कल हमने दो रसास किए थे, श्रृंगार रस, किंग ऑफ रसास, एंड सेकेंड वॉज हास्य रस. ओके, और अब हम आगे बढ़ेंगे. आज हम उठाएंगे करुण रस. I was feeling very much heavy and I was crying, but after crying I am feeling better. I don't know, I was feeling very heavy. I feel crying. Again, I'm weak. मैम, मुझे ऐसा लगा, मतलब जैसे लाइक ने बोलता सेड कि हैवीनेस फील होती है, सो जस्ट लाइक दैट, मतलब ऐसा हुआ जैसे एकदम से मूड चेंज हो गया. लाइक आई वाज इन अ डिफरेंट मूड, बट राइट नाउ आई फील लाइक वेरी सीरियस काइंड ऑफ. सीरियस काइंड ऑफ लग रहा है, लाइट फील नहीं हो रहा. लाइट नहीं हो रहा, हैवीनेस लग रही है. हैवीनेस वे हार्ट में. ओके ओके ओके. एक्चुअली जब सोचना शुरू किया तो मैम एक मतलब बहुत ही सैड फेज पे चले गए. लाइक नो, मतलब आई हैव नॉट लॉस्ट दैट पर्सन, बट उस चीज के बारे में सोच के लाइक नो बहुत बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग आई. लाइक मतलब I just couldn't imagine it. मतलब like you know what would life be without that specific person. तो मैं बहुत ही ज़्यादा sad, बहुत heavy था. मैम एकदम मतलब ऐसा लगा था कि like you know like heartbeat आपकी मतलब you know kind of ऐसा लग रहा था कम हो गई है, you know like बहुत like ऐसे sadness and मैम ऐसे मतलब tears तो आ ही रहे थे मैम. so actually starting when I was thinking about person who was not well, like you know, like it's about you know, like since the last 2 months, like I remember this January, there's a person who was hospitalized and he was in the hospital for a month. So you know that I was thinking about that, but you know now I'm grateful that he's well. But when I was thinking about it, it was like so. अजीब सा भी लग रहा था और जैसे सपना के बाद हैवी सा लग रहा था बॉडी में, मतलब ऐसे मैम जब मैंने सोचना शुरू करा तो लाइक बहुत सारे इमोशंस साथ में फ्लड हो गए थे एंड यू नो सैड अजीब एंड हैवी, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी. लाइक टेरिबल काइंड ऑफ था वो फीलिंग एंड द चेंजेस दैट आई सॉ दैट जब मेरे को थोड़ा लाइक क्राइंग या कुछ होना होता है ना तो आई स्टार्ट मेकिंग लाइक मैंने माउथ से लाइक फेसेस बनाना शुरू कर दिया जिसमें आई डोंट क्राई एंड एट दिस पॉइंट इतना हो गया कि मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती एंड तो अब मैं क्या करूँ. फिर जब मैंने आंखें खोली तो आई हैड अ लिटिल बिट वाटर इन माय आईज बट आई डिडंट क्राई. दैट्स व्हाट आई थिंक. जब ऐसे मोमेंट सोचने लगे I just felt that there was a rejection, you know, there was an emotional rejection, there was a close, you know, closing jaise darwaze band nahi hai, you know, you wanted to, the whole your body just
ट्राइज टू यू नो क्लोज दोस फीलिंग. तो मेरे को लगता है वो शायद एक रिस्पॉन्स होता है कि नहीं यू नो बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू गो थ्रू पेन. और मुझे लगा कि फेशियल यू नो और बाकी जो मसल्स थे वो एकदम यू नो दे बिकम वेरी स्टिफ यू नो कंट्रैक्ट जैसे हो गए. फेस पे भी ऐसा लगा कि यू नो द मसल्स वर कंट्रैक्टिंग एंड देयर वाज अ स्ट्रेस व्हिच आई कुड फील इंटरनली इवन दो माय आईज वाज क्लोज आई कुड फील इट एंड देयर वाज अ सिंकिंग फीलिंग देयर वाज अ सिंकिंग लाइक डीप डाउन यू नो पेट में एक नीचे बहुत एक सिंकिंग फीलिंग. और आप ये सोचते हो कि यू नो ऐसा दोबारा शायद कभी ऐसा गुजरना ना पड़े. और ऑफकोर्स यू आंखों में तो वो कमी आ ही जाती है. तो वो फीलिंग थी वो यू नो देयर वाज माय बॉडी वाज ट्राइंग टू टेल मी डोंट गो देयर डोंट गो देयर डोंट गो ऑन दैट पाथ. और फिर क्या होता है कि यू नो जैसे दिमाग खेल करने लगता है फिर और भी ऐसे यू नो सिचुएशन इमेजिन करने लगते कि अच्छा इससे भी बुरा ऐसा भी हो सकता था अगर ये हो जाता तो क्या होता यू नो एंड देन यू गो डीपर इनटू दैट पेन यू नो यू वर्सन इट टू योरसेल्फ एंड देन यू यू नो सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. जैसे कल तो हम लोग मतलब यू आर फीलिंग लाइट एंड एकदम बकरी और इस तरह जैसे बात भी मत करो चुप हो जाओ बस एक अपनी एक गुफा में अंदर बस बैठ के आप साथ ही रहना yes. मेरा थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है. ओके तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं इसके बारे में. कहीं कोई गलत नहीं है. ये अपने महसूस करना है अपने को ट्रिगर करने वाली बात है. रोकना नहीं है उसमें क्योंकि जब आप रोकते हो किसी चीज को ना तो वो पॉइजन बन जाता है. आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली कि आप जब किसी फीलिंग को सप्रेस करते हो तो वो जमा हो जाती है आपके पास. आप बोलते हो ना इसको नहीं मैं इससे दूर भागना चाहती हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू इग्नोर इट. यू एक्चुअली डोंट इग्नोर इट. आप अपने यहाँ पर उसका डिपॉजिट कर लेते हो और वो कभी ना कभी सिर उठाता है और वो एक पेन की तरह रहता है जैसे एक कांटा चुभ गया हो. तो इसका बेटर तरीका यही होता है कि हम उसको आने दें जो हो रहा है होने दें. नो नीड टू कंट्रोल. अगली एक्सरसाइज के लिए भी यही बता रही हूँ क्योंकि अभी जो रसास कल तक मैंने आपको हैप्पी गो लक्की रसा करवाए अब हमारा सीरियस मामला चालू हो गया है. ये भी लाइफ का पार्ट है ना. जो मूवी बहुत ज्यादा दुख की या रोने की या कुछ होती है तो हम क्या कहते हैं यार बहुत अच्छी फिल्म थी मैं तो बहुत रोया या बहुत रोई उसमें. रोने के लिए थोड़ा पैसे दिए थे हमने. तो क्या था वो एक रस था वो एक फ्लेवर है. हमें वो अच्छा लगा और हम गए उसको देखने के लिए. हम आ भी गए और हमने अपने चार लोगों को और बताया बहुत अच्छी फिल्म है. मैं पूरी फिल्म में रोई क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है अपील होता है. नहीं फैक्ट इज दिस ना होता है कि नहीं हमारे साथ कोई लव स्टोरी देख लेते हैं हैं हम गए बहुत अच्छी है यार इतनी अच्छी है. नहीं जूलियट रोमियो एंड जूलियट तो बहुत एक तरीके का एपिक बन चुका है. लोग रोते हैं फिर भी अगेन दे गो एंड वॉच इट इसंट इट. इन रसों का मेन मुद्दा यही है कि आपको उसमें मजा आता है आनंद मिलता है चाहे वो श्रृंगार रस है चाहे वो हास्य रस है चाहे वो करुण रस है. हर एक में डिफरेंट टाइप का मजा आता है. मजा सब में आता है लेकिन डिफरेंट टाइप का मजा आता है. और इसी डिफरेंट टाइप के मजे के लिए हमें अपने आप को ट्रिगर करना पड़ता है. ये एक्सरसाइजेस करनी है और जब जिस फ्लेवर का मजा लेना है तब वो फ्लेवर लो. गेटिंग इट.
और जब हम इससे अपने आप को इतना अट्यून कर लेते हैं, अपनी बॉडी माइंड सोल सबको इसके साथ ऐसे जेल कर लेते हैं कि जब मैंने बटन दबाया मेरा हास्य रस दबा, और जब मैंने बटन दबाया मेरा विभत्स रस भी जब दब गया, फिर मैंने अपना दबाया शांत रस, श्रृंगार रस, कुछ भी मैं दबा सकती हूँ। मगर लाइफ में होता है कि लोग, दूसरे लोग हमारा बटन दबाते हैं, हम नहीं दबाते। वो हाँ, वही सबसे ये जो है ना, अब मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया है। एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट्स में लेक्चर्स देती हूँ, वो इसी बात पे देती हूँ। नवरसा के ऊपर लेक्चर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बॉस ने कुछ कह दिया, किसी ने भी एक्स वाई जेड कुछ कह दिया, आप दुखी हो गए। किसी ने आपको प्रेस कर दिया कि जी बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, भले ही वो मजाक उड़ा रहा हो आपका, आपको लगेगा वाह, खुश हो गए। तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। लेकिन व्हेन आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस नवरसास, उसकी रसों की सिद्धि करने की बात कर रही हूं, देन योर रिमोट कंट्रोल इज इन योर ओन हैंड्स। Nobody can make you happy, nobody can make you sad, nobody can make you anything without your willingness. आपको जब खुश होना है, आप अपना बटन दबाने में सक्षम हो। अब जगजीत सिंह की गजलों के ऊपर मैं डिस्को तो कर नहीं सकती, ठीक ठीक है कि नहीं? या रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, या आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, या उसमें जो एक है अपना दुख का एहसास भी है। अब मुझे तो उस दुख में मजा आ रहा है ना भाई, इसलिए मैं सुनूंगी वो गजल। मतलब दम मारो दम पे जब आप सुनोगे, दम मारो दम, एक अलग मूड आ जाता है। उसके आगे ही अगर आपके पास ये गाना आ जाता है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो आप एकदम उस दम मारो दम से निकल के उधर पहुंच जाते हो और आपको मजा आता है ना। आप कभी YouTube पे खोल के देखो सैड बॉलीवुड सॉन्ग्स, उसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, व्यूवरशिप भी उसकी सबसे ज्यादा हाई है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई खुश होकर ही सब कुछ बढ़िया है, यार इसमें भी मजा है। हर रस में अपना मजा है, हर रस में अपना फ्लेवर है। अब कल मैं अगर आपको करा देती ये रस, तो डेफिनेटली आज आपने आना नहीं था। अब कल तो मैंने आपके सामने बहुत क्रीम वाले बिस्किट रखे है कि नहीं, बट ये भी जरूरी चीज है। हर एक रस की अपनी ब्यूटी है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है वो, बशर्ते उसको पूरा डूब के किया जाए। ये सिर्फ प्यार में ही नहीं है कि डूब के आग का दरिया है और डूब के जाना है वगैरह, ये इन फीलिंग्स में भी है। अगर आप किसी फीलिंग को पूरी तरह नहीं डूब के जीते हो, आपको उसका फ्लेवर नहीं मिलेगा। और मैंने कल ही बताया था कि किसी भी रस की सिद्धि का मतलब तो समझ लो कि आपने उस हाइट को टच कर लिया है। मैं नहीं बता सकती आपने आपके अंदर फीलिंग का मीटर क्या है, आप खुद भी नहीं बता सकते मेरे को कि आप कितना फील कर रहे हो। आप जो बता सकते हो, आप सिर्फ फिजिकल, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पे क्या आ रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है, आप भी उतना ही बता सकते हो। लेकिन वो अप टू द मार्क है या नहीं, सच्चे और झूठे आंसू जो होंगे ना, वो भी पता चल जाएगा। वो मैंने जब आंसुओं वाला प्रोग्राम आने वाला है ना, मैं बताऊंगी, ठीक है? डन। Now come to the next rasa. और अब I request all of you to please flow with your feelings. Don't control them because they create poison. और आप एक बार feelings को निकल जाने देते हो ना, तो उसके साथ की सब चीज निकल जाती है।
यू डोंट ओनली सेट इट फ्री बट यू सेट योर सेल्फ फ्री उन बैगेजेस से. इसलिए प्लीज बी विद द फ्लो, डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, वट एवर इज गोइंग ऑन विद यू. तो बिल्कुल सोचना नहीं है, बी जेन्युइन टू योर सेल्फ, बी विद द फ्लो. ओके, और सांस तेज तेज चलने लगी और मतलब इतनी एनर्जी मतलब बॉडी में ऐसे टॉट हो गया, मतलब बिल्कुल जैसे बहुत ताकत जैसे आ जाती है ना, मतलब लगाई दो अभी किसी के ऐसी फीलिंग आ रही थी. और बहुत जो है अंदर गर्मी जैसे लग रही थी. ऐसे किसी पे गुस्सा आता है ना तो मैम जितनी भी तेज आ रहा है ना, मतलब मुझसे मतलब है ना कुछ टाइम बाद उस बात पे हंसी आई जाती है. आप चाहे जितना भी है ना गुस्सा उस बंदे पे करने की कोशिश करो, बट मैम लाइक कई इंसिडेंट्स होते हैं जिसपे हाँ मतलब गुस्सा चलता है काफी टाइम तक. तो और जैसे आपने बोला शिव जी के वो तांडव के बारे में भी सोचा, तो मैम जब उसके बारे में सोचा तो मैम हाँ मतलब ऐसे रिलेट हो रहा था लाइक यू नो कि मतलब अंदर से वो एक हीट फील होती है ना जब गुस्सा आता है, तो लाइक ऐसा थोड़ा बहुत कुछ रिलेट हो रहा था. ओके मैम. मैम मेरे को काफी ना रेस्टलेस फील हुआ, लाइक अभी भी मेरे सिर में जैसे हो रहा है कुछ हैवीनेस सी फील हो रही है मेरे को मतलब जैसे आप बोल रहे थे ना ऐसे मन कर रहा है गोली मार दो जाकर, वो वाली फील आ रही है एकदम. काफी वैसा फील आ रहा है जैसे मैम बोल रहे थे वो फूलने लग जाते हैं एकदम, गुस्सा गर्मी आ जाती है वैसी वाली चीज. ओके रेस्टलेसनेस थोड़ा बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं जा सका मैं उस फील में. बट बॉडी में जैसे चेंजेस आना जैसे गुस्सा आना या वो कहते हैं ना वो डायलॉग से हाथों में खुजली होना. मारने लगा कि काश कोई होता आसपास तो मैं कर पाता कुछ. I was remembering 3 or 4 incidents and I was feeling very irritated. And my teeth became very hard, very closed. My mouth was very closed and I was feeling like I will be like forbidding them or like that. Now I'm feeling relaxed. पहले तो मुझे कुछ दिमाग में आया नहीं था, पर फिर जैसे मैंने आंखें बंद करी ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया. मैं एक बंदे से इतना ज्यादा अनॉय हो चुकी थी और मैंने पूरे मन मन में पूरी भड़ास निकाल ली, टीचर मुक्के भी मार दिए, सब कुछ हो गया. बहुत अच्छा लग गया मन मन में पूरा उसे भड़ास निकाल ली मन मन में. ओके ओके मैम मेरे को गुस्सा पहले बहुत जल्दी आता है एंड एक दो इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें तो मैं लिटरली उस स्पेसिफिक पर्सन को मार देती एंड मैं मारती हूँ लोगों को. मैं स्कूल में सारे लोग ऑलमोस्ट मेरी क्लास के सारे बच्चे मेरे से डरते हैं, मोस्टली गाइज. जब मुझे गुस्सा आता है मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं स्माइल करने लग जाती हूँ, तो कंट्रोल कि मैं किसी को लाइक ज्यादा मार वार ना दूँ या यू नो
अभी भी मैं जो स्माइल कर रही थी, मैंने नोटिस करा मैं बहुत स्माइल कर रही थी कि मैं किसको यहाँ पे लाइक पंच रन कर दूं, इज क्लेंचिंग माय जॉ कंटीन्यूअसली. बहुत मजा है. ओके ओके. बहुत लाल ट्रायंगल. हां अभी भी मुट्ठियां बनी हुई हैं. हां सही है बढ़िया है. वो एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस हैं. बॉडी ट्रेम्बल करती है, फेस गर्म हो जाता है. मैं ये कह रही थी कि आंसू जो निकलते हैं वो मेरे को लगता है कि बिकॉज वी आर यू नो वी आर विक्टिमाइजिंग आवरसेल्फ्स. मतलब गुस्सा जब किसी पे आता है तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ क्योंकि अन्याय हुआ उस पर गुस्सा आ रहा था किसी भी सिचुएशन. तो वो जो विक्टिमाइजेशन ऑफ सेल्फ है शायद उसकी एक्सट्रीम में आंसू भी देते हैं. दीवार पे लग जाते तो वो उसका दर्द निशाना ठीक नहीं लगा और गुस्सा आएगा और फिर मारेंगे उसमें. और इससे क्या है, एक एनर्जी जनरेट होती है. जैसे करुण रस में आपने अभी देखा था, आपको लगा था कि बहुत ड्रेन हो गया है, हार्ट रेट या आपकी पल्स रेट वगैरह जो है वो डाउन चली गई थी, है ना, वो फील आई थी. और इसमें क्या हुआ, लपडप ज्यादा तेजी से शुरू हो गया, एकदम रिवर्स हो गया. इसके अंदर उसमें क्या था कि मुझे लगा कि अरे मेरे साथ कितना खराब हुआ या किसी और के साथ कितना खराब हुआ, और इसमें क्या लगा, जिसने खराब किया उसकी ऐसी की तैसी कर दी, हमने कंपनसेट कर लिया, ये हो गया. ठीक है, अब आता है इसी से मिलता जुलता जिसे बोलते हैं हम वीर रस. अब हमारे हो गए, पहले फिर से मैं लाइन से याद करूं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस एंड रौद्र रस, ये चार हो गए. बता के पढ़ के कहानी खत्म कर देती, लेकिन ये एक्सरसाइजेस कराने के पीछे का जो मेरा लॉजिक है कि आप उसे खुद पर्सनली फील करो, बिकॉज ऑल दीज रसास आर इन यू. जैसे कंप्यूटर होता है ना इंटेल इनसाइड, वैसे आप वो प्रोग्रामिंग के साथ आए हुए हो, नव रसास इनसाइड यू. आप उसको खुद, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे तो मैं सीधा सीधा बता के छुट्टी कर दूं आपको कि इस रस में ये होता है, इस रस में होता है, इस रस में होता है, ये होता है. नो, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं. ओके, तो इसलिए इसको ईमानदारी के साथ करेंगे, जेन्युइन टू आवरसेल्फ्स एंड गो विद द फ्लो, और फील करिए और अपना बोलिए, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपके माइंड में भी स्टोर हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट रस करोगे तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. ओके, सबको समझ आ गई, किसी को कोई शक? नो मैम. नो, गुड. ये फौजी वाला है ना? हाँ, फौजी वाला ही होता है अपना सब फौजी वाला होता है क्योंकि जैसे फौजी 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं ना, हम भी वैसे ही होते हैं. वो अपना खून पसीना ट्रेनिंग में बहाते हैं, हम अपना खून पसीना रिहर्सल में बहाते हैं. और होता क्या, हम लोगों को एक ही दिन मिलता है शो का, उनको भी एक दिन होता है, एक दिन हमें होता है, तो हम भी उन्हीं की तरह वेरियस हैं. ठीक है मैं कह रही हूँ, हाँ हाँ कर दो,
अगर कर सकते हो कर दो, बहुत बढ़िया बात है। और कई लोगों ने पोयम वगैरह भी भेजी हैं, आई लाइक्ड इट, बहुत अच्छा है। अपना पूरे असाइनमेंट्स करके सारे भेजिए ताकि मैं सबके ऊपर अगले इसमें जब भी अब मौका मिलेगा उसमें एनालाइज करके बताती जाऊंगी। मैडम ने पूछा, इंदु मैम ने, उनके डिक्शन के लिए। यस कायना, हाँ बोलो। मेरी क्या गलती थी इस वीडियो में जो मोनोलॉग वाली थी? जो भी आप इमोशन डिलीवर कर रहे हो उसमें पॉजेस लो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, रुको उसको समझने दो आपने क्या बोला महबूब को। क्यू हैव स्ट्रेट अवे डिनाइड, पॉजेस लो। ओके, जो भी हम बोलते हैं सामने वाले का हमारा मकसद क्या है, टू कन्वे, है ना। ऐसा नहीं ना कि वो उसके सिर के ऊपर से घर 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 मेरे वर्ड्स निकल जाए, वो वर्ड्स उसके यहां टकरने चाहिए, पहुंचने चाहिए। इसलिए आपको स्लो करना है, और जो मैं बोल रही हूं व्हाट आई एम कन्वेइंग वो उसे क्लियर हो रहा है, एंड व्हाटएवर आई एम सेइंग ही इज गेटिंग इट। ऐसा नहीं कि मैंने मगअप कर लिया और वॉमिट आउट कर दिया, ऐसा नहीं। स्पीड को कम करो, वहां आपका दर्शक बैठा है, ऑडियंस बैठी है, आपका को एक्टर बैठा है, आपका लाइट डिजाइनर है, आपका साउंड डिजाइनर है, आपका बैक स्टेज काम करने वाले लोग हैं, सबको ही है, सबको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूं, बिकॉज दे हैव टू कोऑपरेट विद मी, है ना। इसलिए आपको पॉजेस लेने हैं सेंटेंसेस के बीच में। मैंने जैसे बोला ना, पहले बोला था कि पॉजेस शुड बी हर्ड, कॉमा एंड फुल स्टॉप शुड बी हर्ड। व्हाट डज दैट मीन? आपको वहां पर गैप लेना है, रिटेन करना है वो इमोशन वहां पर, उसको बहने नहीं देना, खत्म नहीं होने देना। एक इमोशन खत्म हुआ फिर दूसरा पिकअप करो, वो खत्म हुआ फिर तीसरा पे जाओ, ठीक है, धीरे धीरे। वीडियो दोबारा बनाओ, मैं फिर बनाओ, अगर आपको जैसे समझ आ रही है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट तो बनाइए, जितनी बार बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है। तो मैम वो मैं बोल रही थी कि मैम वो याद नहीं हो रहा। दूसरा जो याद हो रहा है वो कर लो, जो याद हो रहा है वो कर लो। मैंने तो बहुत सारी चॉइसेस दी है आपको। यस मैम, चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।